वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। आज हम बात करेंगे हेयरिंग एड की CIC, IIC, IIC और CIC। तो कंप्लीट इन द कैनाल CIC है और IIC के बारे में हम बात करेंगे आज। पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं और IIC किस केस में लगेगा और CIC किस केस में लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो और लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हेयरिंग एड परचेस करने हैं अच्छे रेट पे, अच्छे डिस्काउंट पे, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अच्छे रेट पे हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकता हूँ दिल्ली के अंदर। और अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो मेरे को अपना मॉडल बताइए, आके आप कंसल्ट कर सकते हैं एक गुड रेट और होलसेल रेट पे। तो आज बात करते हैं हम IIC और CIC। पहले तो मैं आपको IIC और CIC कैसे होते हैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए IIC और CIC, ये आपका CIC है। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा है साइज़ में। अभी क्लैरिटी और देखनी है, ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में और इसके ही कंपेयर में ये CIC है। हो सकता है ये बॉडी स्किन कलर में ही आए। ये इसका पीछे का पार्ट ब्राउन या ब्लैक होता है IIC का, और ये CIC से छोटी होती है। मतलब IIC हेयरिंग एड CIC से भी छोटा होता है। आप देख रहे हैं ये वाला छोटा है IIC और CIC बड़ा है। ये CIC हो गया या IIC हो गया, IIC छोटा होता है, CIC थोड़ा बड़ा होता है। आप अच्छे से देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अब IIC और CIC किस केस में लगता है ये आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे IIC ही चाहिए, मुझे CIC ही चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? आपका ऑडियोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर। ऑडियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेटर आपको बता पाएगा कि विच इज़ द बेस्ट, IIC ज़्यादा अच्छा है आपकी रिपोर्ट के हिसाब से या CIC। मतलब कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको CIC और IIC चूज़ करने के लिए। पहला तो आपकी रिपोर्ट, ऑडियोमीट्री रिपोर्ट। मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो CIC होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है। मतलब CIC IIC से पावर में ज़्यादा होता है। मतलब जो CIC की फिटिंग रेंज होती है वो 70 डेसिबल 80 डेसिबल तक होती है। मतलब सीवियर हेयरिंग लॉस को भी CIC कवर कर लेता है। उसी के कंपेयर में, उसी के अंतर में अगर बात करें हम IIC हेयरिंग एड, तो जो IIC हेयरिंग एड है या IIC हेयरिंग एड कम पावर का होता है क्योंकि ये छोटा होता है, तो एम्पलीफायर और स्पीकर माइक भी छोटे होंगे, तो इसकी पावर रेंज केवल मॉडरेट हेयरिंग लॉस तक होती है। मतलब 40 डेसिबल 50 डेसिबल तक अगर लॉस है तो IIC आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका लॉस 70 डेसिबल 80 डेसिबल जा रहा है, आप IIC लगाएंगे तो आपको अच्छा सुनाई नहीं देगा। तो ये आपकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको लगेगा क्या। PTA टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ही चूज होगा कि IIC या CIC। दूसरा डिपेंड कर जाता है कान का कैनाल, मतलब आपके कान का छेद कैसा है। अगर आपके कान का छेद बहुत ही छोटा है तो हो सकता है IIC ना बन पाए। मतलब कैनाल को देख के भी साइज मैटर करता है। अगर आपका कान पहले ही से, कान का जो होल है, कैनाल है, वो पहले से ही बड़ी है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हेयरिंग एड छोटी बन के आएगी। छोटी बन के आएगी तो वो गिर जाएगी, आप साइड में करेंगे तो गिर जाएगी। तो कान के होल और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि IIC और CIC आप हेयरिंग एड कैसे लगेगा। दूसरा डिपेंड कर लुक पे डिपेंड करता है। देखिए ये ब्राउन कलर है तो बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब IIC इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि ये बहुत छोटा और काफ़ी डीपली चला जाता है। मतलब IIC बनाने के लिए वो लोग बनवाते हैं IIC, ये बहुत ही छोटा होता है CIC के मुकाबले में और काफ़ी अंदर जाता है। तो ये डिफरेंस है IIC और CIC में। तो आपको जाहिर सी बातें समझ आ गया होगा IIC और CIC हेयरिंग एड के बारे में। अब आपको बता दूं किस किस कंपनी के आते हैं। लगभग सारी कंपनियों में ये हेयरिंग एड्स आते हैं, CIC, IIC, सिग्निया, वाइडेक्स, रिसाउंड, ओटिकॉन, फोनेक, सब में ही आते हैं लगभग। आप चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी हेयरिंग एड। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।